नमस्ते दोस्तों, मैं शेफ पूनम, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको समर स्पेशल तरबूज शेक बनाना बताऊंगी, जो कि बहुत ही रिफ्रेशिंग लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें एक कप कटा हुआ तरबूज चाहिए, जो कि हमने छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं। ये आपको गर्मियों में मार्केट में आसानी से अवेलेबल होगा, आप इसे ले सकते हैं। एक कप दूध चाहिए, जो कि हमने पहले गर्म किया है और फिर ठंडा कर लिया है। 3 चम्मच चीनी चाहिए। चीनी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो तरबूज है वो मीठा है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग ही आप चीनी डालिए। इसमें हमने आइस क्यूब ले रखा है। अब हमने एक मिक्सर जार लिया है और उसमें हम स्पून की सहायता से अपने तरबूज, कटे हुए तरबूज धीरे धीरे करके डालेंगे जार में अपने। अब इसमें हम ठंडा किया हुआ दूध ऐड करेंगे और इसमें हम चीनी भी अपने तरबूज के अकॉर्डिंग ही ऐड करेंगे और कुछ इसमें आइस क्यूब ऐड कर देंगे, जिससे ये हमारा बहुत ही ठंडा ठंडा शेक तैयार हो जाए। अब हम अपने मिक्सर के कैप को बंद कर देंगे और अब हम मिक्सर को चला लेंगे। अब ये हमारा शेक तैयार है। इसका कलर देखिए कितना अच्छा आया है और इसका टेक्सचर भी काफ़ी अच्छा है। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। इसके लिए हमने एक ग्लास लिया है, इसमें हम इसे सर्व कर रहे हैं। और ये हमने एक ट्रे ले रखी है, इस पर इसको हम रखेंगे और इसको हम थोड़ा सा और डेकोरेट करेंगे, जिससे ये बहुत ही अच्छा लगे। हमने स्कूपर की सहायता से तरबूज को निकाल लिया है और इसको हम यहाँ पे साइड में लगा देंगे, जिससे ये देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसे हम ठंडा ठंडा ही सर्व करेंगे, जिससे ये बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये आप ज़रूर ट्राई करें और इसे बना के ज़रूर पिएं, क्योंकि ये बहुत ही रिफ़्रेशिंग लगेगा इन गर्मियों में। आप इसे ज़रूर ही ट्राई करें। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो हमें कमेंट करना ना भूलें और लाइक शेयर ज़रूर करें। और मेरे चैनल को जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।